बहरोड कस्बा स्थित पुरानी कचहरी के सामने अहिर धर्मशाला में राठ जल संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डार्क जोन राठ क्षेत्र में नहर एवं चंबल का पानी लाने की मांग पर जोर दिया गया, जिसमें राठ क्षेत्रवासियों की तरफ से क्षेत्र में व्याप्त जल संकट के समाधान हेतु राठ जल संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन बहरोड उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित को दिया। ज्ञापन में बताया कि राठ क्षेत्र में लगातार गिरते जा रहे भूजल स्तर से किसानों की सिंचाई भी बंद हो गई है और बोरिंग ट्यूबवेल नलकूप सूखने पर पूरा क्षेत्र डार्क जोन में होने से नलकूप पर रोक लगने से पेयजल संकट पैदा हो गया है और राठ क्षेत्र में नहर एवं चंबल का पानी लाने की मांग की गई। हमारे यहाँ ज्वलन समस्या है कि क्षेत्र में लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है और पेयजल का संकट इतना गंभीर होता जा रहा है कि सिंचाई तो बंद हो चुकी है। डार्क जोन लागू होने की वजह से सारा का सारा किसान तबाह हो चुका है और अब पीने की समस्या आ गई। इस पीने का पानी की समस्या को समाधान के लिए आज राठ के लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के, जनता दल के, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के और कम्युनिस्ट पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ करके साझा लिया है, हिस्सा लिया है और अपनी बात रखी है और इलाका चाहता है कि हम इस मांग को लेकर के सब लोग संगठित हैं। आज सारे के सारे व्यापारी, सारे वकील समुदाय, सारे एनजीओ, सारे जनप्रतिनिधि और सबके सब लोग संगठित होकर के आज एसडीएम साहब को, गवर्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हेलो, सम्मेलन था जिसमें पानी की समस्या भी है। जी कौन? विशेषकर जो समस्या है वो पीने के पानी की। डार्क जोन में कुएं तो बंद हो गए, नए कनेक्शन सरकार दे रही है। पानी का जो भूजल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। 10-10 लाख रुपए खर्च करने पर भी बोरिंग कामयाब नहीं होता है। तो आदमी अपने गहने जेवर सब कुछ बेचकर भी कंगाली के बिल्कुल कगार पर है। आज ये जो सम्मेलन है इसमें जो रूपरेखा बनाई है कि भाई या तो हमको पानी हरियाणा से, क्योंकि नज़दीक है, चंबल वाला में भी हमारा हिस्सा है, सरकार ने बजट में प्रावधान दिया कि हम लोग को प्राथमिकता देंगे, हो सकता है उसमें समझदाता लगे, तब तक हमें वैकल्पिक व्यवस्था बहरोड में हरियाणा से हो, और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन किसी भी सीमा तक जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक महिपाल यादव, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बस्तीराम यादव, कांग्रेस जिला महासचिव केजी कौशिक सहित अनेक क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक इनकी हुई थी, एक सेमिनार सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें यहाँ के पब्लिक, पूर्व एवं प्रेजेंट जनप्रतिनिधि और बाकी जनमानस, इन सभी की एक आवाज रही थी कि पानी की दिक्कत आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है, तो उसके लिए कुछ ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइप्ड वाटर और दूसरा इरिगेशन के लिए नहर वगैरह का सिस्टम की इन्होंने बात की, उसके लिए कुछ मांगें मेरे सामने आई, उसको मैं सही स्तर पे सही वक्त पे जो इसको फॉरवर्ड अभी करा देता हूँ और अब आगे और भी कंटिन्यूस उन्होंने बताया कि सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छी बात है।